हाय गाइस, तो यार आज हम फोर्थ स्टेप देखेंगे जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है, डिज़ाइन न्यूज़ फीड सिस्टम का। तो यार इसमें जो स्टेप फोर है उसको मैं रैपअप कह रहा हूँ, मतलब ये आपका लास्ट स्टेप है। बाय दिस टाइम योर सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू शुड बी ओवर, ठीक है। तो रैपअप में हम क्या करते हैं, देखो रैपअप में जनरली क्या होता है ना, इंटरव्यूअर आपसे हो सकता है कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। ही माइट आस्क सम यू नो फॉलो अप क्वेश्चंस। तो पहला वो होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछते हैं वो ये पूछेंगे, ये फर्स्ट श्योर ये पूछेंगे कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स लग रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स और किया जा सकता है आपके डिज़ाइन में, ठीक है। कोई सिस्टम बॉटलनेक है क्या, ठीक है। कभी भी ये मत कहना कि आपका डिज़ाइन परफेक्ट है, कभी भी मत कहना। नो वन इज़ प्रो, ठीक है। डिज़ाइन हमेशा एक टीम की बनती है और आपने अकेले बैठ कर वहाँ बनाया है, तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ उसमें खामियाँ होंगी, ठीक है। देर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और आप अपने सिस्टम डिज़ाइन का रिकैप दे देना एक, ठीक है। रिकैप देना इज़ वेरी मतलब लीव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन दी इंटरव्यूअर, ठीक है। कुछ एरर केसेस डिस्कस कर सकते हो आप इम्प्रूवमेंट में, फॉर एग्जांपल नेटवर्क लॉस हो गया, सर्वर फेलियर हो गया, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। और आप फिर आप इम्प्रूवमेंट ये भी बता सकते हो कि आप लॉग्स और मेट्रिक्स को कैसे मॉनिटर करोगे। मैंने वीडियो में बता भी रखा है कि सर्वर फेलियर नेटवर्क लॉस को संभालने के लिए हम क्या करते थे, बैकअप बनाते थे, राइट। और मेट्रिक्स और लॉग्स के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी, तो वो भी आप एज एन इम्प्रूवमेंट बता सकते हो अपने डिज़ाइन में, ठीक है। और एक और चीज़ जो पूछते हैं काफ़ी यू नो काफ़ी कंपलसरी सा क्वेश्चन होता है कि अभी मान लेते हैं आपकी जो सर्विस है वो 1 मिलियन यूज़र्स को हैंडल कर रही है, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्केल कर्व क्या होगा, लाइक अगर 10 मिलियन यूज़र्स हो गए तो आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपकी सर्विस में, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो यार डूज एंड डोंट्स में डिवाइड कर दिया मैंने कि हमारे इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। डूज में मैं देखता हूँ आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, हमेशा क्लैरिफिकेशन के लिए पूछो, अपने खुद से जो अजम्पशन किया है उसको करेक्ट मत मानो, ठीक है। अजम्पशन हमेशा पूछो कि हाँ ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स हमेशा समझो। मैंने शुरू में बहुत स्ट्रेस दिया था इस पॉइंट पे कि आपको रिक्वायरमेंट पूछ पूछ कर समझनी है कि आपको क्या चाहिए, किस कंपोनेंट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या क्या जैसे है न्यूज़ फीड सिस्टम में क्या था, फीड पब्लिश और फीड रिट्रीवल था, है ना। तो ये हमने रिक्वायरमेंट पता करी कि चलो ये दोनों रिक्वायरमेंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है ना। कम्युनिकेट टॉक आउट योर थाट्स, मतलब ऑब्वियस आप साइलेंस शांत होकर मन ही मन मत सोचो, जो आप सोच रहे हो जो आपके मन में चल रहा है वो आप यू नो डिस्क्राइब भी करो अपने इंटरव्यू को, शेयर करो उनसे, है ना। मल्टीपल अप्रोचेज अगर पॉसिबल हैं तो डिस्कस करो, एल्स नॉट। और अग्रीमेंट जब हो जाए आपकी डिज़ाइन का, हाई लेवल डिज़ाइन का, तो डिटेल हर कंपोनेंट के डिटेल बताओ, ठीक है। हर कंपोनेंट के डिटेल में जाओ और जो सबसे मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स है ना उसको पहले समझाओ और डिज़ाइन करो, मतलब सबसे पहले उस पर ध्यान दो जो मोस्ट क्रिटिकल है यार। और गिव अप मत करो, शांत मत हो जाना, अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा शांत मत हो जाना, हिंट्स के लिए हमेशा पूछना, ठीक है। क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, यार बिना बेसिक्स पढ़े मत जाना इंटरव्यू, बहुत ही इजीली आपको नाप लिया जाएगा वहाँ पर, बहुत ही इजीली दे कर फिगर आउट कि आपको कितनी नॉलेज है। तो बेसिक्स हमेशा पढ़ के जाना, ठीक है, कम से कम बेसिक्स तो आना चाहिए आपको। डोंट डायरेक्टली जंप इन टू सोल्यूशन, सोल्यूशन पे डायरेक्ट जंप मत करो कभी भी, ये मैंने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में बताए थे आपको, है ना। हमेशा डायरेक्ट सोल्यूशन के लिए मतलब कंक्लूड मत करो, रिक्वायरमेंट पूछो, क्लैरिटी लो अच्छे से, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि ज़्यादा डिटेल इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। मतलब हर चीज़ मतलब कुछ कुछ अननेसेसरी कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, उस पर आप पूरी डिटेल में मत जाओ, उस पर मत घुसो, ठीक है। अनटिल और अनलेस इंटरव्यूअर आस्क्स यू टू, ठीक है। नॉट आस्किंग फॉर हिंट्स सबसे बुरा इंप्रेशन बनाता है ये, अगर आप हिंट्स अगर आप कहीं स्टक हो गए तो आपको हिंट्स मांगनी चाहिए, ठीक है। यू शुड बी आस्किंग फॉर हिंट्स, नॉट आस्किंग फीडबैक अर्ली एंड ऑफन। यार जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हो ना तो वो स्टेप बाय स्टेप चलते हो, राइट। तो आपको हर स्टेप में टाइम टू टाइम आपको फीडबैक लेते रहना चाहिए, इज़ देयर एनी थिंग डैट यू वॉन्ट मी टू चेंज, डज दिस लुक गुड, ऐसे ऐसे करके आपको पूछना चाहिए, ठीक है, टाइम टू टाइम। और लास्ट है टाइम एलोकेशन, चार स्टेप्स होते थे,
ठीक है, सारे स्टेप्स के मैं टाइम एलोकेशन बता दे रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम प्लस एस्टैब्लिश डिज़ाइन स्कोप, स्टेप वन जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताई थी, ठीक है, वीडियो वन में 3 to 10 मिनट्स लगते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि आप इसमें अंडरस्टैंड करते हो रिक्वायरमेंट को, तो आप क्वेश्चन भी करते हो, तो आपकी और इंटरव्यू के बीच में बातें होती हैं काफ़ी, ठीक है, तो 3 to 10 मिनट्स लग जाते हैं इसमें। प्रपोज हाई लेवल डिज़ाइन प्लस और अग्रीमेंट ले लो, बाई इन कर लो, गेट अ बाई इन, हाई लेवल डिज़ाइन डिज़ाइन करा आपने, प्रपोज करा और अग्रीमेंट भी हो गई आपके और इंटरव्यूअर के बीच में, तो 10 से 15 मिनट तो लगेंगे उसमें, ठीक है। और आपने जो डिज़ाइन डीप बनाई है उस पर डीप डाइव करो, ठीक है, उसमें 10 से 25 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसमें आप डीप डाइव कर रहे हो, आप डिटेल कॉम्पोनेंट बना रहे हो अपने डिज़ाइन में और सबके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इस पर ज़्यादा टाइम लगता है। स्टेप थ्री, स्टेप फोर रैप अप है, तो यार 3 to 5 मिनट्स ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट्स पूछते हैं और आप इम्प्रूवमेंट बताते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो यार ये था हमारा न्यूज़ फीड सिस्टम, हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ वी विल डिज़ाइन रेट लिमिटर, जो कि मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। टिल देन थैंक यू गाइस, बाय बाय।